उतार दो, नीचे उतार दो इनको। लेकिन भाई मंच का बहुत वजन हो रहा है भाई, वजन बढ़ रहा है, कल की तरह रहेगा। मान जाओ मेरे भाइयों, मान जाओ, जो समझदार है वो अपना चतर जाओ। लेकिन जो ये मुद्दा है ना, अरे समझदारी का काम ले लो, थोड़ा दो मिनट से नीचे चतर जाओ यार। सबसे बहुत अच्छी चीज है कल की तरह मंच से लोगों को अक्ल नाम की चीज दी भाई। प्लीज भाई, प्लीज समझ लीजिए भाई, फांसी की सजा भाई साहब। अरे टूट जा रहा है हमारी सांसद, आपको हमारे भाई बनना चाहिए। हमारी बहन बेटियों से इज्जत करूंगा, जो करूंगा नहीं, आप जो करोगे आप रुक के जाओ, आप एक मिनट रुकेंगे, बिठा के बात करेंगे। शाम को बिठाओ, शाम को बिठाओ, यहाँ सच न्याय होना चाहिए। जो लड़की कह रहे हैं नहीं, लड़की ऊपर नहीं आना चाहिए कोई। अब ऐसे छोड़ो को छोड़ कहूंगा मैं। एक मिनट यार, एक मिनट घेरो मत, घेरो मत यार, घेरो मत। हाँ जी हाँ, बैठ जाओ, आप थोड़ा बैठ जाओ। आप नॉर्थ से सांसद होने के बावजूद आ गए, क्योंकि आपके समाज को मीनाक्षी लेके यहाँ पर आज तक नहीं आई है, महिला होने के नाते उनको भी आना चाहिए, आना चाहिए। आपकी आपसे निवेदन है कि देश की संसद में समाज आवाज उठाए, वाल्मीकि समाज की। आप लोग बताओ, उठानी चाहिए, उठानी चाहिए, उठानी चाहिए। कौन नेता को मार दिया, आज भी तो उठानी चाहिए। बीजेपी की सरकार है, बीजेपी से सांसद मार ले, आवाज तो उठानी चाहिए भाई। कहाँ उठ रही है आवाज, बात तो करने दो यार। अब तक बालिक समाज का शासन होएगा भाई, एक आदमी तो बात करेगा। सियासत नहीं कर रहे हैं, मेरी बेटी थी, मेरा समाज है, मेरा खून है, और पूरा हिंदुस्तान देखेगा इसका रिजल्ट। नंदकिशोर चीफ व्हिप साहब आए सर, चलिए सभी जो मैं हटवाता हूँ, एक मिनट मैं हटवाता हूँ। गुरु जी एमपी साहब आए, एक बार उनको भी आने दो, ये आ गए कर्नाटक से। आ जाओ सर, बेटा थोड़ा पीछे हट जाइए, थोड़ा पीछे। सांसद अगर हमारी बात नहीं मानी जाए तो आपको इस्तीफा देना पड़ेगा, बिल्कुल देना पड़ेगा। हर समाज से सांसद है और यहाँ धरने में हमारे साथ बैठना पड़ेगा, अगर वाल्मीकि खून है तो यहाँ बैठना पड़ेगा हमारे साथ में, दिन रात बैठे हैं। अगर वाल्मीकि के लिए दर्द है तो बोलने तो दो, पद जरूरी नहीं है, समाज जरूरी है। अगर समाज का दर्द है, समाज का खून तो सोच रहे हैं। अरे जैक्सन जी हैं विधायक साहब, थोड़े पीछे हो जाओ, अरे लिया संदीप, संदीप संदीप चीफ व्हिप साहब आए, चीफ व्हिप साहब आए। आ जाओ जी, आ जाओ, आओ सर, आओ। अरे एमपी साहब हैं जी हमारे, आप भी जाओ। मैं तो यही ना रहा हूँ, मैं थारे में रह लूँ, वो चौकस थोड़ा विकास, विकास इंडिया के
अरे बैठ जाओ भाई साहब, बैठ जाओ, 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 एमपी एमएलए सांसद मंत्री बन जाते हैं, दलित समाज का ही भूल जाते हैं। सुन ली डर जा भाई, डर जा, बात कर रहे हैं यार, डर जा, मुझे मत समझा, मुझे समझा रहा है यार, क्यों ऐसी बात कर रहा है आते फिर। अरे भाई भाई साहब सर जी, ये अमेंडमेंट कर चुकी है कि एक्चुअल कोर्ट बनेगा एससीएसटी के लिए 2016 से लेके जल्दी भाई, उसके अंदर मंत्री ना 2016 में एससी समाज का मंत्री था, उसके बावजूद कोई भी कोर्ट हस्तक्षेप नहीं है और पूरे भारत में कोर्ट नहीं बनी 2016 से लेके 2021 आ गए, अभी तक कोर्ट नहीं बनी है और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, लेकिन अंदर एक स्पीकर है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, ये विधायक भी रह चुके हैं, इसकी रात्रि भी रह चुके हैं, इनके होने के बावजूद नहीं बनी है, सब क्या करोगे किशोर साहब का ध्यान रखियो, मैं खड़ा हूँ, आप खड़ा आप बैठ जाओ ना, आप समाज के नाते से आए हैं, पहले आप इनकी तो सुनिए क्या कहना चाहते हैं, सुनो ना यार, सुन नहीं रहा है इनकी, हमें हमेशा मुद्दों से भटकाया जाता है, जो इस बच्ची अरुण करते रहो फिर चले जाओ, ये एहसान है मीडिया का, आपके पीछे बैठे हैं मंत्रालय से और हमारी भाई के पीछे बैठ जाओ, उनसे कहिए कि वो खुद आए, अगर वे नहीं आते हैं तो आपको अल्टीमेट दिया जाता है, अगर एक हफ्ते के अंदर नहीं मिलता है तो पूरी दिल्ली के अंदर चक्का जाम करेंगे, और जब तक संस्कार नहीं होगा नीचे बैठो, जब तक इस बेटी को, जब तक इस बेटी के दरिंदों को फांसी नहीं लग जाएगी, इस बच्ची के अवशेष को हम लेंगे नहीं और इसके दाह संस्कार करेंगे, ऊपर ले लेंगे। सांसद साहब आपकी जान काल में एक बात बताना चाहता हूँ, बेटी को जिंदा जलाया गया, जिंदा मरी नहीं थी वो, किसी भी तरीके से मरी नहीं थी, रुको दी सुनने उसकी से सुन रहे कैमरे वालों को बता देंगे, बता हमें कैमरे सारे भेट ज्यादा बहुत बढ़िया भाई साहब, पिटवालों ने सबसे पहले तो इस तकलीफ में है सर हम सब लोग, उसके जो हुआ है उसके लिए बहुत अफसोस है, हम शर्मिंदा हैं इस दौर में पैदा हुए हैं जहाँ बच्चियों के साथ ऐसा होता है। दूसरी बात, अगर फॉर्मेलिटी करनी होती जल्दी जल्दी स्पीड से, कल भी मैं आया था लेकिन चले गया, मेरा दिल था कि मैं कुछ गवर्नमेंट से बात करके आऊं, आज प्रधानमंत्री साहब जी ने टाइम दिया और मैं वहीं से सीधा आ रहा हूं, उन्होंने ये बोला कि जाके वहां एक तो आश्वासन दो कि अब जो पहले हुआ आज नहीं है। अरे चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, यहाँ का मैं सांसद नहीं हूँ इसीलिए मुझे भेजा है, तुम सारे समाज की पूछो क्या चाहते हैं, अदालत कानून तो अपना काम करेगी, उसको अंजाम तक ले जाना भी है, उसके अलावा आप प्रधानमंत्री से सेंट्रल गवर्नमेंट से जो हुक्म करेंगे, भाई प्लीज भाई चप्पल जल्द हुक्म करेंगे, देखो मैं सियासतदान नहीं, मैं आर्टिस्ट हूँ और आपके भाई के नाते बहुत बढ़िया, जो मैं बात यहाँ करूँगा अगर पूरी हुई तो मुझे आने का या दोबारा मिलने का हक है, नहीं तो मैं मुंह नहीं दिखाऊंगा। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, मुझे सिर्फ पूरा मशवरा करके कूल डाउन होके सलाह करके बता दो कि हम, एक तो पहला तो मेरा ही है, मुझे पूछने की जरूरत नहीं, जो दरिंदे हैं उनको अंजाम तक पहुंचाना ये हम सबका है, सबका, उसके अलावा परिवार के लिए या
जो भी आप सोचते हैं वो मेरी ड्यूटी है, हम सबकी ड्यूटी है, मैं लेके जाऊंगा जहाँ भी है। कम से कम एक करोड़ का मुआवजा इनको राशि मंत्री साहब पक्का मकान दिया जाए, प्रधानमंत्री मीटिंग कर लो, सांसद जी हम ये पूछ रहे जो आप बोल रहे ऐसे नहीं बोलते, ये कंपनसेशन है ना सरकार की दलाली बोली है। आपको पता पार्लियामेंट सेशन है लगाओ आज का, उन्होंने बोला सारा को छोड़ के इमीडिएटली वहाँ मौके पे जाओ, मेरी तरफ से आश्वासन दो कि हमारी बेटी के साथ हुआ है जो हुआ है, समाज को पूछो। एक एक बात तो पहले मैंने वहाँ बेनती कर दी थी कि वो जो मुजरिम है उनको ऐसी सजा मिले कि पूरे हिंदुस्तान में दोबारा जो सबक मिले लोगों को। उसके अलावा उन्होंने बोला कि उनको बोलो थोड़ा मशवरा करके तो कोऑर्डिनेशन कोई कमेटी थोड़ी बना ले दो चार पांच बंदों की, जो आप हुक्म करोगे सारे सवाल वो पूरा होगा। हमारी कमेटी आपको दिल्ली के लोगों ने सरकार ताज बनाया, पंजाब के लोगों ने आपको हराया, हम लोगों ने जीता, दिल्ली के लोगों ने जीता, और सिर्फ वाल्मीकि होने के नाते जीता, और केजरीवाल के चार कैंडिडेट का विरोध करके जीता। खुद आप करो भाई, आप वाल्मीकि सारी बातें ठीक है, लेकिन एक जाति का जो प्रेम होता है, खून का जो दर्द होता है, वो खून का जो दर्द की बात, इस केस की बात, खून का जो दर्द ना, आपको जो ना आपको खून का दर्द इसलिए आए ठीक है, और कोई चुनाव का मंत्री नहीं आया, बीजेपी और कोई मंत्री नहीं आया, सुनिए मेरी बात है ना, आप हाउस में ये बात जरूर उठाएं, आप अगर हाउस में उठा दें ये बात तो हमें और हम बिल्कुल इस बात को पूरा देश देखेगा, और आप लोगों के आगे मोदी सरकार हो चाहे बीजेपी सरकार हो, आप लोगों को उंगली करते हैं, निकल सकते हैं लोग, आपके साथ समाज खड़ा होगा, आप इसे हाउस में जरूर उठाए, हाउस में उठानी चाहिए ना, मेरी बात समझ, हाउस में उठनी चाहिए वाल्मीकि समाज की आवाज, ये सबसे ये तो आप सुनेंगे। जी जी जी, मैं वही बोलता हूँ जो कर सकूंगा, आप जल्दी सुनेंगे पार्लियामेंट में, बाकी आप कोऑर्डिनेशन एक कमेटी बनाओ मेरे भाई, बात हमने ज्यादा नहीं कर सकते, ये पूरे देश की बेटी, पूरे देश की बेटी, देश की बेटी, वैसे ये बेटी है, लेकिन उसके लिए पूरा देश, लेकिन ऐसे ही हम लोग लड़ेंगे, पूरे भारत भाई सुन लो भाई, एक देश की बेटी जरूर है कमेटी हमारे तैयार है, ये देश की बेटी जरूर है, देश की बेटी निर्भय थी, देश की बेटी बुरी बच्ची भी है, लेकिन निर्भय के लिए केजरीवाल ने रात के टाइम ही कोर्ट खुलवाया था, लेकिन आज वो सीएम तो जब कुछ नहीं था, वो सीएम भी नहीं कर रहा है, आज कुछ भी नहीं कर रहा, मजबूर मुख्यमंत्री बेटी, अगर देश की अगर ये बेटी है ना, तो सारी बेटियों को इक्वल मानते हैं। सीएम साहब कल आए थे, क्या कह के गए, उसको बगाया वाल्मीकि समाज ने यहाँ से, और आप लोग ना सीएम साहब बोल रहे हैं 10 लाख रुपए देने के लिए, सीएम साहब बोलते कंपनसेशन के 10 लाख रुपए, ये कंपनसेशन 10 लाख रुपए की बटवागिरी बंद कर दो, नहीं तो ऐसे सत्ताधारी बनाएंगे इन लोगों को, ये ध्यान दे लो, 10 लाख रुपए दलाली के नाम से कंपनसेशन का नाम ही दलाली है, करोड़ करोड़ रुपए देंगे, नाम क्या है कंपनसेशन, जनता जाग चुकी है, देश की बेटी की लड़ाई है, और देश की बेटी को 1 करोड़ रुपए देंगे, दलाली के नाम का तुम्हें धना नहीं, हमें पैसा नहीं चाहिए, न्याय चाहिए, आप हमारी कमेटी तैयार है, आप हमारी ये बात बात, नहीं तो एक हफ्ते के अंदर अंदर पूरी दिल्ली का चक्का जाम होने वाला है, आप हो तभी तो हमें विश्वास है, पूरी दिल्ली है, पूरे भारत का गेम है, पूरे भारत का नाम है, पूरी दिल्ली पंजाब बंद नहीं करेंगे भाई साहब, आप कैसी बात कर रहे हैं, हम पंजाब भी बंद होगा, हरियाणा भी बंद होगा, हम सारा भारत बंद होगा, से उम्मीद करते हैं वो साफ मन से और साफ नीति से बात करें, मोदी की तरह काले मन से बात ना करें, और मांगे 7 दिन में नहीं होगा तो सारा कुछ, मैं आगे लगूंगा, मुझे कोई शौक नहीं एमपी शैम्पी बनने का रहने का, मैं आगे लगूंगा अगर हफ्ते में ना